я тільки як Сандра. І коли твоя подра заспівала разом, обівала музика. Це мені не лія, рядом були вірила, не горіє. Це моя подра. Коли твоя подра заспівала разом, обівала музика. Це мені не лія, рядом були вірила, не горіє. Я не буду тебе. На тебя накормлены, если это моя я. Ты нас горит уже, стала мне любима. Так и стоит, а это намирать. Мы мигать образа. तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप लोग एनमी को एकदम इजीली वन टैप कैसे दे सकते हो। अगर बंदा मिड रेंज में हो या लॉन्ग रेंज में, आप उसे एकदम आसानी से वन टैप कैसे मार सकते हो। तो वीडियो को बिना ही स्किप किए देखना, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर दोगे तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो चलो गाइस, मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। अरे यार, मेरे एमोनेटेशन से वन टैप नहीं लग रहे यार। क्यों? क्या पता क्यों, इस अपडेट के बाद एमोनेटेशन से वन टैप नहीं लग रहा। रो क्यों रहा है? अरे यार, एक ही तो गन था जिससे मैं वन टैप मार रहा था, उससे भी नहीं लग रहा। अरे यार रो मत, और सॉरी यार, क्योंकि मैंने ही गरीना फ्री फायर वाले को बोला था कि भाई एमोनेटेशन के अंदर कुछ चेंजेस ला जिससे वन टैप ना लगे। क्या? हाँ यार सॉरी। तो चलो गाइस, जानते हैं कि आप लोग एनमी को वन टैप कैसे मार सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको जनरल को कितना रखना चाहिए। अगर आप लोग लो डिवाइस में खेल रहे हैं तो आप उसको 100 रखना, और अगर हाई डिवाइस में खेल रहे हैं तो 80 से 90 के बीच रखना। रेड डॉट की बात करें तो रेड डॉट को आप लोग 85 से 95 के बीच में ही रखना। और अब बात करते हैं 2x और 4x की। तो 2x और 4x को आप लोग 85 दोनों को रख सकते हो, क्योंकि इससे जो है आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और अब बात करते हैं स्नाइपर की। तो स्नाइपर को आप लोग 35 रख लेना। और बात करें फेलुक की, तो फेलुक को गाइस आप लोग 50 ही रहने देना, क्योंकि इससे गेम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हो गया आज का हमारा बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग। तो गाइस, जान लेते हैं कि आप लोग शॉर्ट रेंज में एनमी को हेडशॉट कैसे मारोगे। तो आप लोग इस क्लिप को एकदम ध्यान से देखना। और चलो गाइस, देखते हैं इस वाले क्लिप को स्लोमो में। तो ध्यान से देखना, मेरा एम एनमी के बाएं साइड में है, और जैसे ही मेरा पैर ज़मीन पे आया और मैंने रोटेशन ब्रेक किया, और एनमी को एकदम ईजली से वन टैप पड़ गया। और सुनो सुनो सुनो, आपको ड्रेक कब करना है? आपको कभी भी जंप करके ड्रेक नहीं करना है। जैसे ही आपका पैर नीचे ज़मीन पर आए, वैसे ही आपको रोटेशन ब्रेक के नीचे करना है। तो अभी हम फटाफट से जान लेते हैं कि आप लोगों को लॉन्ग रेंज में एनमी को हेडशॉट कैसे मारोगे। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एकदम सिंपल इजीली सीधा ड्रैग करना है और एनमी को हेडशॉट लग जाएगा। तो गाइस, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, और वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।